पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार आसमान छू रहे हैं। आज सातवां दिन है लगातार पेट्रोल और डीजल के जो कीमतें हैं उसमें बढ़ोतरी हुई है। अगर आपको आज का प्राइस दिखाना चाहूँ तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो पेट्रोल है उसका प्राइस है 95.46 प्रति लीटर से बिक रहा है, तो वही डीजल का प्राइस अब मैं आपको दिखाना चाहूँगी। जो डीजल का प्राइस है वो अभी इस वक्त 86.80 पैसे प्रति लीटर से बिक रहा है, यानी कि ये अब तक का कह सकते हैं कि मुंबई में सबसे ज़्यादा हाई पेट्रोल और डीजल के प्राइस जो है बिक रहे हैं। तो वहीं जो आम जनता है इसे लेके कहीं ना कहीं अपना गुस्सा जो है साफ तौर पे दिखाई दे रही है। ये तो सिर्फ मुंबई के प्राइस है, अगर बात करें देश के अन्य राज्यों की तो वहाँ पे ऐसे कई राज्य हैं जहाँ पे 100 पार पेट्रोल और डीजल के जो भाव है वो पहुंच चुके हैं। हम लोगों से भी जाने की कोशिश करेंगे आखिर जिस तरह से ये प्राइस लगातार बढ़ रहा है उनका क्या कहना, एक्सक्यूज मी सर, जिस तरह से प्राइस बढ़ रहा है पेट्रोल और डीजल का, क्या देखते हैं कि आने वाले टाइम पे मुंबई में भी 100 पार हो पाएगा? हम श्योर हो जाएगा। किस तरह की आप एक्सपेक्टेशन और उम्मीद रखते हैं कि सरकार गवर्नमेंट कुछ करेगी, प्राइस कम करेगी? आई हैव नो एक्सपेक्टेशन विद एनीवन, एक्सपेक्टेशन यू हैव टू मैनेज ऑन योर ओन, देयर इज नो एक्सपेक्टेशन। रखा है 100 बार के लिए, 100 बार हो ही गया समझो। आप देख सकते हैं जो जनता है वो इतनी नाराज हो चुकी है कि उनका कहना है कि उन्हें कोई अब उम्मीद नहीं है कि जिस तरह से प्राइस लगातार बढ़ते जा रहे हैं कहीं ना कहीं अब प्राइस कम होने की उन्हें कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही है। जाहिर सी बात है जिस तरह से लगातार ये प्राइस बढ़ रहा है आने वाले दिनों में, कुछ ही दिनों में जो प्राइस है वो पेट्रोल और डीजल का कहीं ना कहीं 100 पार कर जाएगा। अच्छा, न्यूज़ के लिए सरिता शर्मा।